तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीसीबी प्राइस के बारे में। जो पाई का प्राइस दिखाया गया है 314,159 डॉलर, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस कारण से हो सकता है, इसकी रास्ता क्या है, इसके ऊपर पाई कोर टीम क्या काम कर रही है, पूरा ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरा आर्टिकल आ चुका है, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, क्रिप्टो करेंसी जब से आया है हमारे पैसों का जो खास करके मल्टीपल जो है हमारा वो बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं और सबसे बड़ा उदाहरण बिटकॉइन है, जो हमारे छोटे से अमाउंट को एक बहुत बड़े पैमाने पे बदलने में काम किया है। उसी की पैरल बहुत सारे सिक्के आ चुके हैं, उसी की पैरल उसकी बैकल भी बहुत सारी जो है सिक्के आ चुके हैं। उनके में से एक पाई हमारा भी है। पाई गणित के पाई से हमारा प्रेरित है, जो चाहता है कि 314,159 डॉलर प्राप्त करे। क्या ऐसा हो सकता है, उनके लिए पाई को टीम क्या कर रही है? उससे पहले आप लोग यह जानना जरूरी है कि पाई क्या है, समझना बहुत जरूरी है। स्टैंड फॉर असनता की एक टीम द्वारा 2019 में पाई लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि जो अभी फिलहाल डिजिटल करेंसी में जो जटिलताएं हैं उसे आसान बनाया जाए, क्योंकि डिजिटल जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे बिटकॉइन हो जाए, इथेरियम हो जाए, बीएनबी हो जाए, उसमें जटिलताएं बहुत ही ज्यादा है, उसका माइनिंग करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इसीलिए बनाया गया है और इसका उपयोग ये बताया गया है कि आप मोबाइल में माइनिंग कर सकते हैं। बिटकॉइन मोबाइल में माइनिंग नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारा एनर्जी समाप्त होता है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल में माइनिंग हो रहा। ऐसा खास करके एक ऐसा परियोजना बना जाए जो बना चुका है और लोग इस पर भरोसा करें और मोबाइल से माइनिंग करें, जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ बताया गया, यहाँ पर देख लीजिएगा, पाई नेटवर्क मानता है कि क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य इसके नेटवर्क पर प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही साथ बता रहा है यहाँ पे कि 314,159 डॉलर का जो सिक्का मूल्य प्राप्त करने के लिए मंच ने एक बड़े उपयोगकर्ता आधार को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है, ताकि हमारा प्राइस आने वाले समय पे 314,159 डॉलर हो और इसका प्राइस कभी घटे नहीं, इसके ऊपर काम चल रही है। यहाँ पर बताया है, पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत जिसमें खनन के लिए पर्याप्त हमारा जो बहुत सारे आवश्यकताओं लगता है एनर्जी का, वो चीज़ यहाँ पे नहीं लगता है। पाई नेटवर्क मोबाइल से माइनिंग होता है और इसकी बैटरी और डाटा में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। बैटरी में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं और डाटा में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। यह पहुंच बड़े पैमाने पर है, लोग इसे आसानी के साथ मोबाइल से माइनिंग कर रहे हैं और जिसमें माइनिंग करने के लिए कोई किसी को दिक्कतदारी नहीं है, जो खास करके आने वाले समय पर ये बहुत बड़ा पैमाना बन सकता है। अब बताया गया है, विश्वास और सुरक्षा, पाई नेटवर्क पूरी दुनिया में एक विश्वास पात्र बन चुका है। पाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र के साथ माइनिंग करवा रहा है। माइनिंग क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स है वो पाई के पास है। चाहे आप ट्विटर हैंडल का ले लीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम का ले लीजिए, चाहे आप हमारा एप्लीकेशन का ले लीजिए या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड का ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे सबसे ज़्यादा हमारे पास है। अब इस चीज़ को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ बनाया गया। पायनियर्स का चरण होता है कि 24 घंटे में आप लोगों को एक बार माइनिंग करना पड़ता है, आपको पता ही होगा, और 24 घंटा के बाद आप लोगों को सारा काम करना पड़ता है। जब जैसे आप लोग माइनिंग कर लेंगे तो आपका एक नोड चरण बनता है, जो आप लोगों को पहले से पता है, पूरा मापदंड बहुत बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद कंपनी का जो सीजीवी प्राइस है वो आपको पता ही होगा, 314,159 डॉलर है। उसको बनाए रखने के लिए यूज़र्स ग्रोथ, उसको बनाए रखने के लिए तेज़ी के साथ यूज़र्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जितने भी लोग आएंगे और हमारा प्राइस उतना तेज़ी के साथ बढ़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास यूज़र्स नहीं होगा, प्राइस नहीं होगा, यूज़र्स होगा तभी जगह प्राइस होगा। इसीलिए नेटवर्क यूटिलिटी सर्विस बना रहे हैं। यूटिलिटी सर्विस का मतलब मान लीजिए शॉपिंग मॉल, आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि हमारा गेम आ चुके हैं, बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, गेम, यूटिलिटी सर्विस, शॉपिंग पोर्टल, अदर प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, सब कुछ आ चुका है। उन सारी चीज़ों में हमारा पाई का लेन देन होगा, तो जैसी बात है पाई का लेन देन होगा तो पाई का प्राइस तेज़ी के साथ बढ़ेगी। अब सवाल लास्ट में आता है कि कमी और आपूर्ति, पाई की डिमांड एंड सप्लाई जितना हाई होगा, पाई की प्राइस उतना तेज़ी के साथ हाई होगा। लोग और हमारा कोर टीम चाहता है कि पाई की डिमांड एंड सप्लाई जब शुरुआत हो, लॉन्च हो हमारा, तब बहुत ही तेज़ी के साथ उछाल हो और हमारा पाई का प्राइस शुरुआती प्राइस के हिसाब से 1 से लेकर 4 महीना में ये हाई लेवल तक पहुँच जाए, ठीक है। बाकी आपका मर्जी है, आप जितना विश्वास करेंगे उसके हिसाब से काम कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप विदा लेते हैं।